फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब आर्ट गुरु में। मैं वीरेंद्र मौर, खेद है मित्रों की काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेकर आया हूं। गर्मी की छुट्टी की वजह से गांव में संसाधन विहीन के कारण एवं नेट प्रॉब्लम के वजह से वीडियो नहीं बना सका, लेकिन अब आप लोगों के लिए आगामी अगस्त माह में आने वाली TGT व PGT की वैकेंसी के लिए मैटर की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। मित्रों, रेड अक्षरों पर सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अमृता शेरगिल पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये आपकी महिला कलाकार अमृता शेरगिल। मित्रों, अमृता शेरगिल नास्तिक और यूरोपियन प्रभाव की प्रथम भारतीय महिला कलाकार थीं। अमृता शेरगिल के पिता उमराव शेरगिल सिख एवं माता मारिया अंतवानेत गोटेसमन हंगेरियन, जो ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार थी। कभी कभी ये पूछ लेता है कि उनकी माता कौन सी कलाकार थी। ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार थी। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हंगरी के बूढ़ापेस्ट, ये भी प्रश्न बनता है, बूढ़ापेस्ट में हुआ और मृत 1941 में लाहौर में हुआ। अमृता शेरगिल की आरंभिक शिक्षा पेरिस में प्रसिद्ध कला शिक्षक लूसियो साइमा के देखरेख में हुई। सन 1934 में अमृता शेरगिल भारत के शिमला शहर में आईं और समर हिल पर चित्रशाला की स्थापना की। भारतीय जनजीवन के विषयों, गरीबों का चित्रण पर चित्रणकार करने लगी। अमृता शेरगिल की कला में पूर्व और पश्चिम की शैलियों का बड़ा सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अमृता गॉगिन व वानगांग एवं मोदगलियानी की कला से प्रभावित थी। अमृता शेरगिल अपनी कला स्वभाव चरित्र तथा व्यक्तित्व में अमृता को लंदन निवासी कवि वायरन का भारतीय नारी संस्करण कहा गया है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, कवि वायरन। अमृता के चित्रों में विकृतियाँ हैं जो अभिव्यंजनावाद से प्रभावित हैं, किंतु शैली सरल एवं अस्पष्टता की झलक साफ दिखाई देती है। चित्रों के रंग, वेशभूषा, संयोजन, गति एवं मुद्राएं भारतीय हैं। अमृता शेरगिल ने भारतीय अंधानुकरण का विरोध करते हुए लिखा है कि कम से कम एक कारण से मुझे प्रसन्नता है कि मैंने कला की शिक्षा यूरोप में पाई, जिसने मुझे अवसर दिया कि मैं अजंता, मुगल व राजपूत चित्रकारी को समझ सकूं। इसको समझने का अधिकांश भारतीय चित्रकार ढोंग तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वह गलत ढंग से समझी जाती है। ये देखिए अमृता शेरगिल का, किसने कहा है कि अगर भारत में गरीब न होते तो मेरे लिए पेंट करने को क्या होता। बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन ये अमृता शेरगिल ने कहा है। अमृता शेरगिल ने विक्टर एगान से शादी की। वह हंगरी के रिश्ते में क्या लगते हैं, चचेरे भाई, हिलमैन तथा हिलवुमैन शीर्षक चित्रों में अमृता शेरगिल ने क्या अभिव्यक्त किया है। ये भूख की त्रासदी, ये प्रश्न कई बार रिपीट भी हो चुका है और इसमें से तोड़ करके प्रश्न को बनाया भी जा सकता है। अमृता के चित्र भारतीय लड़कियां पर दिल्ली की संस्था ने स्वर्ण पदक प्रदान किया। अमृता शेरगिल ने पेरिस के ग्रांड सेलो से अपने एक चित्र युवतियाँ पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया। ये भारतीय महिला प्रथम है जो इस प्रकार की पुरस्कार को प्राप्त की हैं। चित्रकृतियाँ में अछूत बालिका, वधु का श्रृंगार, ये देखिए तीन बहनें, इनकी फेमस चित्रकृतियाँ, ये आपकी तीन बहनें, ब्रह्मचारी बालवध, भारती माँ, पहाड़ी स्त्रियाँ, कहानी कथन, और इसमें देखिए केले बेचने वाले, केले बेचने वाली इनकी चित्र, गणेश पूजन, हाथी का स्नान, हल्दी पीसती औरत, और ये चित्र पनिहारिन, पनिहारिन इनके चित्र। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।